21 अप्रैल फ्राइडे 2024 नील पूजा है आज। लाइट फिर से खींच चुका है, वो वाला नर को पकड़ के दिखाऊंगा जो के सेम नस्ल का 5 पीस बच्चा लाया था, जिनमें से 4 पीस आया हो गया, 3 पीस सेटिंग करते हुए निकल चुका है, नहीं मिला, और 1 पीस शायद बिल्ली धर लिया था, उनमें से 1 पीस इसको बचा पाया जो कि अभी है मेरे पास। जोड़ा लगा दिया, धाड़ी बना दिया, ये मेरे पास कुछ दिन उड़ा हुआ है और देखने में एकदम सिंपल लगता है, पर ये अच्छा खासा उड़ने वाला और लॉन्ग कबाबे उड़ने वाला और अच्छा खासा स्पीड लेकर उड़ने वाला। मेरा कहने का मतलब यह कि हाल फिलहाल जितना कबूतर उड़ा है उनमें से देखा जाए तो ये सबसे तेज उड़ने वाला, एकदम देखा जाए तो सबसे ज्यादा दौड़ने वाला नर यही वाला है देखा जाए तो। और ये ता तो है नॉर्मल सिंपल उड़ाई है, पर इसका उड़ाई है जो है दौड़ने वाला, अच्छा खासा, मतलब अच्छा ही खासा दौड़ने वाला कबूतर, मिनिमम 5-5 किलोमीटर दूर जाकर उड़ने वाला और कम से कम 5 से 7 साइड में जाने वाला, तो लगभग मान के चलिए 25 से 30 किलोमीटर का दायरे में रहकर उड़ने वाला कबूतर है ये लॉन्ग काबा में, दौड़ने वाला अच्छा खासा दौड़ने वाला 25 से 30 किलोमीटर एरिया कवर करके 30 किलोमीटर का दायरे में रहकर उड़ने वाला ये नर है जिसको पकड़ के अभी दिखाऊंगा। और मादी में हाल फिलहाल जितना उड़ा हुआ कबूतर, हाल फिलहाल का बात बोल ले, ये मादी ज्यादा दौड़ने वाला और लॉन्ग कवा में थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में उड़ने वाला, 25 से 30 किलोमीटर का दायरे में रहकर उड़ने वाला, ये भी मतलब मिनिमम मान के चलिए 30 किलोमीटर का दायरे में रहकर उड़ने वाला, उतना जगह कवर करके उड़ने वाला, 7-8 मतलब साइड से उड़ने वाला कबूतर है ये भी। ये फीमेल है और जिसको दिखाएंगे वो है नर, उनमें से ये नर भी है मर थोड़ा सा कम है, और ये भी देखा जाए तो कुछ उस तरह का है, पर ये आगे का ग्रुप का है, 3-4 ग्रुप आगे का है। मुर्गी का बच्चा 5 पीस आज बेच दिया एक आदमी को, रास्ते में मिला था, और 1 पीस सिंगल जो बचा हुआ था वो एक भगना लगता है मेरा, उसको दे दिया पालने के लिए। लगभग मान के चलिए जितना कबूतर अभी भी फिलहाल जितना भी उड़ाया कुछ दिन पहले भी, लगभग वैसे ही उड़ाने थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है, मगर लगभग थोड़ा जो ज्यादा होता है तो मिनिमम एक तो अंदाज रहता है, वही बता रहे थे कि जो नर अभी दिखाएंगे वो मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर एरिया लेके उड़ने वाला, 30 किलोमीटर का दायरे में रहकर लॉन्ग कावा में उड़ने वाला, थोड़ा स्पीड में उड़ने वाला दौड़ने वाला कबूतर है जो कि देखने में वैसा लगता नहीं है। तो चलिए पकड़ के दिखाते हैं। दोस्तों देखिए ये है वो नर, देखने में पता नहीं चलता है, देखने में पता नहीं चलता है शायद कि ये उतना गत के दौड़ने वाला कबूतर है, पर ये मिनिमम भी कहे तो 5 से 6 किलोमीटर एक एक साइड में जाने वाला कबूतर है, यानी कि टोटल मान ले तो 25 से 30 किलोमीटर का दायरे में रहकर, यानी कि 30 किलोमीटर एरिया को कवर करके उड़ने वाला, दौड़ने वाला, गत के दौड़ने वाला कबूतर है ये। ये है सकल सूरत, लगभग अच्छा खासा स्पीड लेकर उड़ने वाला होता है, दौड़ने वाला कबूतर है जो कि पूरा शायद नहीं लगता होगा, पर ये दौड़ने वाला कबूतर है, एकदम सिंपल शेप, कटिंग शेप लेकर है, देखने से लगता नहीं है कि ये एकदम इतना तेज गत के दौड़ने वाला कबूतर है और लॉन्ग कावा में उड़ने वाला कबूतर है जो कि ये सॉलिड 5 घंटे का ऊपर, 5 घंटे मान के चलिए 5 घंटे उड़ान रखने वाला कबूतर, क्वालिटी भी अच्छा है उड़ाई का, अच्छा क्वालिटी का कबूतर है, क्वालिटी उड़ाई है, 5 घंटे का ऊपर उठता है, सॉलिड 5 घंटे कवर करके उड़ने वाला कबूतर है ये, 5-5 किलोमीटर दूर जाके उड़ने वाला कबूतर है जो कि देखने में लगता नहीं है, ठीक है। 5 सेम कैटेगरी का, सेम नस्ल का, सेम कलर का 5 बच्चा लाया था, मतलब इसका लॉट का, इसका ग्रुप का, पर 4 तो गवा दिया, 3 तो सेटिंग का चलते, अंधेरे का चलते शाम हो गया तो लॉस हो गया, और 1 बिल्ली धर लिया था तो इसको बचा पाया, ऐसे तो अक्सर होता ही रहता है, 5ों में से इसको बचा पाया था, हालांकि इसको सेटिंग करके अच्छा खासा उड़ा भी लिया, लॉन्ग कवर में अच्छा खासा उड़ भी लिया, बहुत बार उड़ लिया,
ठीक है 20-25 बार तो कम से कम उड़ा लिया इसको, 5-5 घंटा सॉलिड उड़ लिया, उसका ऊपर उड़ लिया। ठीक है, तो ये है कबूतर, नर कबूतर, मेल कबूतर। ये है इसका कलर, ये है इसके आंखों के कलर देख लीजिए, ये है आंखों का कलर। ठीक है, ये है आंखों का कलर, आंखों का कलर देख लीजिए। ये है कबूतर, दुम इसके नॉर्मल दुम का है, ये नॉर्मल दुम का कबूतर है देख लीजिए। ये है पूरा कबूतर, तो ये बहुत तेज कबूतर है, देखने में लगता नहीं है, पर अभी जितना कबूतर इस जगह में रखे हुए है, ठीक है, तो उनमें से सबसे देखा जाए तो तेज कबूतर, ठीक है, उड़ने में तेज है, छोड़ने से अभी दौड़ लगाएगा। तो मेरा एक जान पहचान का रिश्तेदार जो मेरा चाचा लगता है, वो आके पर काट दिया इसका, और इसका काट दिया, जोड़ा लगा दिया, हो गया बहुत दिन, बच्चा भी इसका उठाया, जो कि बच्चा दे दिया, और अंडा 2-3 दफा अंडा चाल भी दिया, दूसरा को दे दिया, फिर से लास्ट वाला अंडा भी दे दिया, ठीक है, उसी को दिया जिसका पास से इसका जो मादी अभी लगाया हुआ है, उसी को दिया हुआ था वो मादी, मेरा ही घर का बच्चा है वो, जो मादी इसका साथ लगा हुआ है, तो मादी रिटर्न लेके आया, उसका पास थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं उड़ाया, पर उसको थोड़ा हल्का बीमारी धर लिया था बोल के वापस लाया, यहाँ लाके ठीक किया, फिर जोड़ा लगा दिया इसका साथ, जोड़ा लग गया अपने आप, नहीं लगाने का था, जोड़ा इसका साथ लग गया, जो मादी इसका साथ है उसी को, फिर इसका जो अंडा फिर उसी का पास दे दिया अंडा चालने के लिए, मलवई कबूतर के नीचे।